गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। यूकेजी को मेगा हिंदी भाग एक किताब पढ़ा रहे हैं। पहला और दूसरा लेसन पढ़ाई आपका हो गया था, आज तीसरा लेसन कविता देश हमारा सबसे न्यारा, ये कविता है। आइए इसको हम याद करने के लिए बताते हैं और साथ में समझाते भी है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार। में कहा गया है कि हमारा देश जो है सबसे न्यारा है और प्यारा हिंदुस्तान, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। ऊंचे पर्वत सुंदर, और हमारे देश में ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है अति सुंदर है, और अपने पहरेदार, वह पर्वत जो है पहरेदार का काम करता है। मीठे जल से भरी नदियाँ, और इन पर्वतों पर से नदियाँ गिरती है, जिससे जिसका जल जो है मीठा होता है। देश बना गुलजार, हमारा देश जो है क्या है, गुलजार कहने का मतलब होता है बाग बगीचे, मैंने हमारे देश में बाग बगीचे हैं। झरने गाते गीत मनोहर, झरना जो है सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, ऐसा गीत गाता है जो मन को हर लेता है। झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठे ताम, झरना जो है गिरता है तो आवाज करता है और मीठे मीठे वो गीत मनोहर गाते हैं और सुंदर ताम आवाज निकालता है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा देश कैसा है, सबसे न्यारा है। न्यारा का मतलब अनोखा, और तान का मतलब स्वर। ये था आपका कविता। अब इस कविता को आप लोग लय में याद कीजिएगा, और इसका जो खाली जगह है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब किताब में ही बनाइएगा, और क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ उसको कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है। पेज नंबर आपका 10 और 11 में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर खाली जगह, ठीक है, और वाक्य बनाने के लिए बनाइएगा, ठीक है। ये योगेश जी के बच्चों के लिए था।